फिर रहने की क्या सुविधा है, किस तरीके से आपको रूम मिलने वाला है। सामने जो है वो पूरी लाइन लगी हुई है, जो सारी की सारी रजिस्ट्रेशन की लाइन है। नहीं तो आपको दर्शन नहीं होंगे बाबा केदार के, आपका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। बिना लहसुन प्याज का खाना मिलेगा जो कि बिल्कुल सात्विक होगा। भीड़ देखो भाई, दबा के भीड़ चल रही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। मैं हूं आपका दोस्त विकास और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैवलिंग जिंदगी में। तो आज का वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है भाई, इसलिए आज का वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जो प्लान कर रहे हैं चारधाम की यात्रा का, जो प्लान कर रहे हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री या यमुनोत्री आने का, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। वीडियो में आज आपको थोड़ा वॉइस के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन भाई आपको इन्फॉर्मेशन के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। आज मैं रैंडमली यहाँ पे आया था इसी केस में, इसलिए मैं अपना माइक नहीं लेके आया, बट आपको इन्फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलने वाली है चारधाम से रिलेटेड। आपके जितने भी डाउट है कि आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको साथ रखने हैं, वहाँ पर रहने की क्या सुविधा है, किस तरीके से आपको रूम मिलने वाला है, खाने की क्या व्यवस्था है, सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए आज का वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। तो छोटी से छोटी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, सो दैट आपका ये वीडियो देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए बिना देर किए लेके चलता हूँ यहाँ पे, आपको टूर कराता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था है, किस तरीके से आपको यहाँ फैसिलिटीज मिलने वाली है। तो चलिए बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट, लेट्स गो। लोकेशन में आपको बता देता हूँ, मैं खड़ा हूँ इस समय ऋषिकेश में, यहाँ पे यात्रा रजिस्ट्रेशन कम ट्रांजिट कैंप है, यहीं पे आपका चारधाम का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। एंड इसी के ठीक बराबर में जो है वो ऋषिकेश का बस अड्डा है। तो ऋषिकेश बस अड्डे से बाहर निकल के आपको आना है लेफ्ट में, एंड लेफ्ट में भी बिल्कुल बराबर में 10 कदम की दूरी पे आपको ये यात्रा रजिस्ट्रेशन कैंप मिल जाएगा। एंड यहाँ पे सारी गाइडलाइन वगैरह लिखी गई हैं। एंड पार्किंग के चार्जेस यहाँ पे बात करूँ तो आपका जो टेम्पो ट्रैवलर है तो 24 घंटे के यहाँ पे चार्जेस आपको 300 रुपये मिलने वाले हैं, और टू व्हीलर के 50 रुपये। तो ये सारे चार्जेस जो हैं वो 24 घंटे के आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर से आपको दिखाता हूँ किस तरीके का होने वाला है ये। सामने जो है वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा है, एंड जितने भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे हो रहे हैं। तो अगर आप लोग बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं या बद्रीनाथ या गंगोत्री या तो चारधाम में आपको कहीं पे भी जाना है तो यहाँ पे जो है वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। सवेरे 4 बजे से टोकन लग जाता है, आपको अपना आधार कार्ड कैरी करना है, इसके साथ साथ आपके पास आपका मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, उसके बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बाकी ये सारी जो है वो पार्किंग की फैसिलिटीज है, आपका टू व्हीलर फोर व्हीलर सब यहाँ पे अंदर पार्क होता है। हेल्थ वगैरह से रिलेटेड आपको कोई जाँच करानी है तो वो भी यहाँ पे हो जाएगी। एंड बाकी ये सारी जो लंबी लाइन है ये सारी रजिस्ट्रेशन की है, तो ये सारा जो है चारधाम के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा भाई, अगर रजिस्ट्रेशन कराने आ रहे हो तो ऑनलाइन ही करके आओ, ऑफलाइन में आपका बहुत टाइम जाएगा। पे सामने मिलेगा, यहाँ पे जो है वो बुकिंग चल रही है, 236 रुपये जो है वो लेगा यहाँ। बाकी गर्मी बहुत है भाई, तो कूलर की फैसिलिटी यहाँ पे जो है वो दी गई है वेटिंग हॉल में, सो दैट आपको गर्मी ना लगे, तो उस चीज का पूरा ख्याल रखा गया है। खाने के लिए आपको जो है कैंटीन की फैसिलिटी यहाँ पे फ्लोर पे मिलने वाली है, एंड जो मिनिमम है वो 35 रुपये और मैक्सिमम 50 रुपये आपसे यहाँ पे चार्ज किए जाएंगे। लेकिन खाना आपको सात्विक मिलेगा, बिना प्याज लहसुन का खाना मिलेगा। एंड ये नीचे सारा जो है वो वेटिंग हॉल है, ये आप लोग देख सकते हैं सारा वेटिंग हॉल है, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है वो यहाँ पे वेट कर रहे हैं, और कई लोग अपने टोकन के लिए वेट कर रहे हैं। बाकी रहने के लिए आपको यहाँ पे ऊपर जो है फैसिलिटी मिलेगी, हॉल आपको मिलेगा जिसमें 236 रुपये आपको जो है रहने की सुविधा मिलेगी। तो चलिए चल के आपको हॉल दिखाता हूँ। यात्रा करने आ रहे हैं तो यहाँ पे रुकने की आपकी फैसिलिटी है, ये सारी जो है वो डोरमेट्री की फैसिलिटी है, एंड डोरमेट्री की फैसिलिटी आपको मिलती है 236 रुपये आपसे यहाँ पे पर डे का चार्ज लिया जाएगा रुकने का। तो पंखे पूरे हॉल में लगे हुए हैं, गर्मी आपको बिल्कुल नहीं लगने वाली, लॉकर की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी यहाँ पे, तो सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया, इंतज़ाम अभी की डेट में तो बहुत अच्छे हॉल है पूरा इस तरीके से। यहाँ पे कई हॉल है जहाँ पे आपके रुकने का इंतज़ाम किया गया है।
डोरमेट्री है और डोरमेट्री के साथ में ही आपको यहाँ बालकनी की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा जो है वो पार्किंग एरिया है, आपका फोर व्हीलर जो है वो यहाँ पे पार्क हो जाएंगे और नीचे भी आप चाहे तो बाहर रेस्ट कर सकते हैं। तो वो जो थी वो नॉन एसी डोरमेट्री थी और ये जो है वो एसी डोरमेट्री है एंड 350 रुपये इसके आपको यहाँ पे चार्जेस पड़ेंगे। तो अगर आपका बजट कम है तो आप 236 रुपये में रुक सकते हैं, नहीं तो आपका बजट अगर थोड़ा ठीक है तो 350 रुपये आपको यहाँ पे एसी वाली के चार्जेस पड़ेंगे। इसमें भी आपको लॉकर की फैसिलिटी मिलेगी एंड लेटने के लिए बेड मिलेगा। बाकी एसी यहाँ पे लगा रखा है, तो ये एक एसी ये लगा हुआ है एंड कर्टन्स वगैरह लगा रखे हैं और दूसरा एसी ये है। तो दो ही एसी आपको मिलते हैं यहाँ पे इतने बड़े हॉल में, 350 रुपये आप लोगों से चार्ज किए जाएंगे इसके। वॉशरूम यहाँ पे दिए गए हैं, पीने के लिए आपको जो है वो वाटर कूलर की फैसिलिटी मिल जाएगी एंड ठंडा इसमें पानी आ रहा है। और साफ सफाई आप लोग देखो, साफ सफाई पूरी रखी हुई है भाई, सफाई में कोई इशू नहीं है। ये जो है ये मेल वॉशरूम है एंड वॉशरूम में आपको दिखा दूँ किस तरीके का होने वाला है। तो वॉशरूम कुछ इस तरीके का मिलने वाला है, तो साफ सफाई पूरी कर रखी है, जबकि जो है बहुत ज़्यादा भीड़ है लेकिन फिर भी सफाई का कोई इशू नहीं है। सफाई आप लोग देख सकते हैं कि एशियन सीट मिलेगी आपको एंड वेस्टर्न सीट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो तीन वेस्टर्न सीट हैं एंड तीन यहाँ पे इंडियन सीट हैं। बाकी साफ सफाई की बात करूँ तो यार साफ सफाई बहुत अच्छी है, नीट एंड क्लीन कर रखा है, सुविधाएं पूरी दी गई हैं, आपकी कंफर्ट का पूरा ख्याल रखा गया है। आप लोग स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते तो लिफ्ट की फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप अगर इस बार चारधाम की यात्रा प्लान कर रहे हैं, अपना ऋषिकेश आ रहे हैं और आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और रुकने की फैसिलिटी कैसे है वो सारी के सारी आज आपको जो है वो सॉल्यूशन मिला होगा। आपके जो भी डाउट रहे होंगे इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, क्या फैसिलिटी है, सारे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। लोकेशन बताऊँ तो जो ऋषिकेश का मेन बस अड्डा है उसके बिल्कुल बराबर में है यात्रा रजिस्ट्रेशन कैंप, वहाँ पे जो है वो आपको ये सारी फैसिलिटी मिलनी है, यहीं पर आपको जो अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है। मैं रैंडमली ही यहाँ आया था इसलिए मैं अपना माइक नहीं लेके आया था, तो लिए आपको वॉइस के साथ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा, बट इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिली होगी। तो इसी के साथ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में फिर किसी खूबसूरत लोकेशन के साथ एक नई जगह में। तब तक के लिए बी से बी हेल्थी, जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की, बाय बाय।